नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का एस्ट्रो योगी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जाने बिजनेस में आज कैसा रहेगा दिन, हेल्थ का कैसे रखें ध्यान, किसे नौकरी और करियर को लेकर आज मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर के साथ आज कैसा बीतेगा आपका दिन, इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास पौष है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:23 तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 3:18 तक रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग हर्षण योग दोपहर 2:05 तक रहेगा, इसके बाद वज्र योग लग जाएगा। आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 7:15 तक होगा, आज चंद्रोदय सुबह 8:08 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 11:11 से शुरू होकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। अब जानते हैं 12 जनवरी का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, आज आपको बहुत खुशी और शांति मिलती है। पिछले कुछ दिनों के तनाव के बाद आप आज काफ़ी शांत हैं, क्योंकि चंद्रमा लियो के करीब है। आप उन लोगों के साथ समय बिताना चाहेंगे जिनकी आप परवाह करते हैं, इसलिए इन अवसरों का लाभ उठाएं। अपने परिवार पर ध्यान देने की कमी के लिए संशोधन करें। अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर निकलें और दिन के दबावों के बारे में भूल जाएं। आज आप अपने साथी को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित पाएंगे, इस आकर्षण का आनंद उठाकर आपस में बांटें। आपका साथी इस प्यार के प्रदर्शन से सुख प्राप्त करेगा। कार्य क्षेत्र में आज आप किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, जहां आप बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेंगे जो आपके करियर में आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करेंगे। इस दिन किए जाने वाले सही निर्णय आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे किए जाने वाले वित्तीय निर्णय आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आज आपके पद व व्यवसायिकता के कारण आपके सहकर्मी आपसे दबे हुए रहेंगे, लेकिन आपको अपना प्रभाव जमाते हुए सावधान रहना होगा। कुछ नकारात्मक सोच आपकी मानसिक शांति को आज बिगाड़ सकती है, इसलिए शांत रहें और तनाव कम करें। आप खुद को किसी नए कार्य में लगाएं ताकि ऐसी सोच आपके दिमाग में ना आए। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप मन लगाकर कार्य नहीं कर सकते, परंतु शांत दिमाग से आपकी ऊर्जा शक्ति भी बढ़ती है। सुबह 9:00 से लेकर 11:00 का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। वॉयलेट आपका भाग्यशाली कलर रहेगा। शुक्रिया। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि के जातक, आज आप कई चीजों से थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको कुछ संतुलन खोजने में मदद कर सकती है। आपकी दृढ़ता और धैर्य आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे आप दिन के अंत में संतुष्ट हो सकते हैं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह देते हैं और आप किसी भी चुनौती या कठिनाइयों को दूर करेंगे जो जीवन आपके रास्ते में आती है। आज आप सोचेंगे कि क्या कभी आप सच्चे साथी से मिलेंगे। घबराइए मत, अपने मित्रों के साथ बाहर घूमने जाइए, क्या पता आपको कोई लव पार्टनर मिल जाए। कार्य क्षेत्र के मामले में आज आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, इसमें जरा भी हिचक ना करें और सबसे प्रेम से मिलें। आज आप जो भी संबंध बनाएंगे उनसे आपको कई रूप से लाभ हो सकेगा। आपके व्यापार में आने वाले इस कठिन समय से निपटने के लिए आपको सबसे पहले समय निकालकर बैठना होगा व सही योजना बनानी होगी। इस विषय में चिंता ना करें, आपकी कुशलता व गुणवत्ता के चलते आप कठिन से कठिन समय से भी पार पालेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमेशा ही समय अच्छा रहे या हमेशा ही बुरा रहे, इसलिए आप प्लानिंग के साथ चलिए, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। हेल्थ के मामले में आज तनाव से सावधान रहें, यह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। आज आप अस्वस्थ पाचन क्रिया या सिरदर्द के शिकार बन सकते हैं।
आज के दिन आपका शुभ समय शाम 5:45 से 7 बजे के बीच का रहेगा। सफेद रंग आपके लिए आज भाग्यशाली रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। चंद्रमा के मकर राशि में होने की वजह से आज आप आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से जो परेशानी आपको परेशान कर रही है, आज आप उन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आप अपने प्रियजन या किसी से वाद विवाद कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सुझाव देते हैं कि आपको शांति की तलाश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव लाइफ के मामले में आपके शर्मीले स्वभाव के बावजूद आज रोमांस के क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावना है। जिसकी ओर आप आकर्षित हैं उसे अपनी भावनाओं के बारे में जरूर बताएं, लेकिन सभ्य और शालीन ढंग से। आज ऑफिस से बाहर निकलकर आपको लोगों से मिलना चाहिए या फिर किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, जिससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है जो आपको आपके क्षेत्र में आगे लेकर जा सकती है। आज के दिन कई अच्छे वित्तीय अवसर आपके समक्ष होंगे। बहरहाल उनका सही लाभ उठाने के लिए आपको सही योजना व निर्णय का सहारा लेना होगा। ये योजना लंबे समय तक चलने वाली वित्तीय समयावधि की होनी चाहिए। अल्पावधि की योजनाओं के निर्णय भी आपको लाभ ही पहुँचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सही खोज व बारीक नज़र अवश्य रखनी होगी। आज हेल्थ के मामले में आपको खुद पर संयम रखना होगा। तनाव से आपको अनिद्रा की परेशानी भी हो सकती है। आज अपनी जुबान पर भी संयम रखें, तभी आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए शाम 5 से 7 का समय बहुत ही शुभ है। आज हरा रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। शुक्रिया। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या खास है आज। चंद्रमा के मकर राशि में होने के कारण आपको थोड़ा गलत समझा जा सकता है। इससे आपको निराशा हो सकती है और आप अपना आपा खो सकते हैं। बोलने से पहले आज भली प्रकार सोच लें। आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। बार बार हो रही गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आज के लिए इसे गंभीरता से लें। लव लाइफ के मामले में आपके व आपके साथी के बीच आम दिनचर्या के कारण बोरियत घर कर गई है। यदि आप घंटों काम कर रहे हैं व घर पर माता पिता बच्चे आदि हैं, तब भी एक फोन कॉल द्वारा या फूल ले जाकर आप अपने संबंध में नई जान डाल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको थोड़ी परेशानी होगी। ध्यान रखें कि आप जितने ऊंचे पद पर होते हैं, नौकरी बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है। साथ ही आपको नौकरी बदलने से पहले सभी अच्छी बुरी बातों पर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। आपको खबर मिलेगी कि जो चीज़ आपके लिए काफ़ी मायने रखती थी या फिर बड़ी कीमती थी, वो या तो नष्ट हो गई है या खो गई है। इसलिए अपनी कीमती वस्तुओं को आज संभाल कर रखें, ध्यान से रखें। आपके लिए स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए बहुत फीलिंग्स से भी जुड़ाव रखती होगी। इसलिए आप अपनी जो भी वस्तुएँ हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनको संभाल कर आज रखें। आज के दिन आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। तनाव हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है कि आप पता लगाएं कि आपको अस्थाई तकलीफ है या स्थाई। आप वो कार्य करें जो आपको पसंद है। आज के दिन के लिए आपके लिए मिट्टी कलर लकी कलर रहेगा और जो समय आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम लेकर आएगा वो है 12:30 से 3 बजे के बीच का समय। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। आज मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति है, जिसकी वजह से आपके मूड में बदलाव आ सकता है और आपका ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित रहेगा। आज का समय ऐसा समय है कि आपको सब कुछ एक क्रम में रखना होगा। हालांकि आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं और यही गुण आपको छोटी छोटी मुश्किलों से पार कर पाएगा और आपके जीवन को व्यवस्थित रखने में आपकी मदद करेगा। लव लाइफ के मामले में यदि आप विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ व्यर्थ बहस ना करें। ऐसा करने से आपस के संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि वाद विवाद हो गया है तो उसे सामान्य होने के लिए समय दीजिए। कार्य क्षेत्र के मामले में अगर आपकी योजना है तो
तो आज आप कोई नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। इस दिशा में आज आप अपना पहला कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपको अचानक भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह जागृत होगा। आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं चाहिए और आप जानते ही हैं कि इस राह पर चलना कोई छोटा मार्ग नहीं है। अपने जीवन को वित्तीय रूप से संतुष्टि की राह पर ले जाइए और सुकून की तलाश कीजिए। हेल्थ की बात की जाए तो आज आप अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। आप छोटी बातों से परेशान होकर अपनी लगन का स्तर ना गिराएं। आप अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें क्योंकि आपके पास नया कार्य आएगा जिसे आप संभाल सकते हैं। आप खुद का ध्यान रखें तभी सब कुछ ठीक होगा। आज के लिए हरा रंग बहुत ही शुभ है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार शुभ काम करने के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप दृढ़ता और चतुराई से रास्ते में आने वाली परेशानियों को हल कर लेंगे। आप आत्मविश्वास के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर लेंगे। हो सकता है जैसा आपने सोचा हो आपको वैसा परिणाम ना मिले। कार्य करने से पहले चीजों के बारे में सोचना काफी महत्वपूर्ण है। आज आपके संबंध में तनाव आ सकता है जिसका असर आपकी रोमांटिक जिंदगी पर पड़ सकता है। हर विषय पर साथी से बात करके व अपनी भावनाएं प्रदर्शित करके आप ये गलतफहमी दूर कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के मामले में आपकी क्षमता के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस मौके का लाभ उठाकर आपको अपने क्षेत्र की और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपनी नई संस्था में भी आपको पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आज संभव है कि आपके द्वारा खरीदी गई भौतिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचे, इसलिए बेहतर है कि उनकी खरीद को टालें। आज अपनी वस्तुओं के साथ अतिरिक्त ध्यानपूर्वक पेश आएं, जिससे संभावित हानि को टाला जा सके। हेल्थ के मामले में आप अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें क्योंकि तनाव आपको परेशान कर सकता है। आप कुछ शांति के पल भी निकालें ताकि आप आराम कर सकें और दिमाग को शांति मिले। अगर आप आराम करेंगे तभी आप सभी कार्य अच्छी तरह कर पाएंगे। शाम 5:50 से 6:30 का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अच्छे वाइब्स को आकर्षित करने के लिए लाइम येलो कलर पहने। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तुला राशि के जातक मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण करीबी दोस्त के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप दोनों के बीच समझ बढ़ने लगेगी। लव लाइफ के मामले में आज अपने साथी के साथ बेवजह बहस करने से बचें। दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है जिसे कम करने के लिए आपको शांत व संयम में रहना होगा। कार्य क्षेत्र के मामले में आज आपको कोई नई नौकरी या कोई नया काम अचानक ही मिल सकता है जिससे आपको आश्चर्य होगा। आगे बढ़कर इसे पकड़ लें क्योंकि इसके लिए समय शुभ है। आर्थिक स्थिति के मामले में आपकी कई दिनों से अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की जो इच्छा है वो आज पूरी होगी। ये आज आपको वेतन वृद्धि या बोनस के रूप में भी मिल सकता है। इससे आपका न केवल बैंक बैलेंस बढ़ेगा लेकिन साथ ही में आप बेहतर निवेश भी कर सकेंगे। आपके लिए व्यापारिक संस्थाएं भी कुछ नई योजना लेकर आएंगी। आज के दिन हेल्थ के मामले में आपको कुछ तनाव दिखेगा। थोड़े अपना सेहत पर आपको ध्यान देना है, सेहत पर असर पड़ सकता है। आपको तनाव से आज दूर रहना चाहिए, थोड़ा शांत रखना चाहिए दिमाग को और आराम करना चाहिए। भूरा आज आपका लकी कलर रहेगा और आपके लिए जो शुभ समय रहेगा वो सुबह 10 बजे से 11:30 के बीच का रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, जब तक चंद्रमा मकर राशि में है तब तक आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे आपकी भावनाएं प्रेरक शक्ति होंगी। आज आप अपने तर्कसंगत तर्क की तुलना में अपनी भावनाओं के आधार पर अधिक निर्णय लेंगे। आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि आपके प्रयास आपकी इच्छा अनुसार परिणाम प्रदान करेंगे और ये कि सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के शब्दों में ये खुश और आराम में रहने का शानदार समय है। आज अपने प्रेमी के साथ छुट्टी पर जाने के बारे में विचार करें।
प्रेमियों के लिए उत्तर दिशा में प्रस्थान करना सबसे सही रहेगा। यदि आप छुट्टियों पर विचार कर रहे हैं तो इसी दिशा में जाएं। कार्य क्षेत्र के मामले में आज कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार आपके मन में आ रहा है, इसके लिए आज का दिन शुभ है। हालांकि नया व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज आपको वित्तीय क्षेत्र से एक अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यदि आप अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा किसी नवीन व्यापारिक प्रस्ताव के पाने की उम्मीद कर रहे हैं, तब आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आप खुद पर संयम बना के रखें ताकि आपको कोई शारीरिक परेशानी ना हो, खासकर तब जब आप दूसरों से अपनी परेशानी छुपाते हैं। आप तनाव की स्थिति में अपने दिमाग को ज्यों की त्यों ना बनाए रखें, आज आप तनाव कम करें। आज आपके लिए लकी कलर ग्रीन रहेगा और लकी समय आपके लिए 5 बजे से 7 बजे के बीच का रहेगा। धन्यवाद। धनु राशि। प्रिय धनु राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप आज उत्साहित और भविष्य को लेकर आशावान होंगे। आपके ऑफिस और पारिवारिक जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपका खुश मिजाज होना आज आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आपको अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए आज के दिन। लव लाइफ के मामले में अपने साथी के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आप दोनों के संबंधों को अधिक गहरा व भरोसेमंद बना देगी। आप दोनों को जीवन का एक साथ आनंद उठाने का मौका मिलेगा। रोज की परेशानियों को भूलकर इस समय का हर क्षण यादगार बनाइए। कार्य क्षेत्र में कोई नई योजना शुरू करने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहेगा। अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से कोई नई योजना या नया काम आपके मार्ग में आ सकता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो आज आपको गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। आप अपनी कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता पा सकते हैं और आपके बढ़िया फैसले आपको सही दिशा में ले जाएंगे। हेल्थ के मामले में आपकी नकारात्मक सोच आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। इससे आप महसूस करेंगे कि ये आपको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जीवन का आनंद लेने से भी कठिनाई हो रही है। आपको इन सब से छुटकारा पाना होगा अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। अपने दिमाग पर संयम रखें तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हरे रंग में कुछ पहनने से आपको पॉजिटिव एनर्जी आज मिलेगी। आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद का समय रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि वालों की। प्रिय मकर राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश आज आपको अपने प्रियजनों के सहारे की जरूरत महसूस कराएगा। आज आप अपनी व्यवसायिक दिनचर्या में काफी तनाव महसूस करेंगे और अपने पेशे के प्रति समर्पित रहेंगे, परंतु आप अपने प्रियजनों की चिंता मत करें क्योंकि वह आपकी निष्ठा को भली भांति समझते हैं। आपको चाहिए कि आप इस अवधि में किसी जरूरी काम को किसी और की जिम्मेदारी के तहत ना जाने दें। लव लाइफ के मामले में अपने परिवार से अपने प्रेमी के बारे में बात करने का ये उचित समय है। ये समाचार विनम्रतापूर्वक उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर व सभी पहलुओं पर सोच विचार करने के बाद ही दें। व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन आपको सुनिश्चित रूप से उस प्राप्ति अथवा पदोन्नति के अवसर देगा जिसके विषय में आप लंबे समय से सोच रहे थे। आज अपनी गुणवत्ता का पूरा उपयोग कीजिए जिससे आपको लेकर किसी प्रकार की नकारात्मक बातें ना हो सकें। आज का दिन आपको कोई अच्छा व्यापारिक अवसर दिला सकता है। ये समय सभी को प्रभावित करने का और सबके सामने श्रेष्ठ बनने का बहुत अच्छा समय है। हेल्थ के मामले में आप काल्पनिक विचारों को अपने लक्ष्यों के आगे ना आने दें। आपको ये समझना होगा कि काल्पनिक विचार सच नहीं होंगे। आप बिना बात की परेशानी अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। आप अपने शरीर, खान पान और व्यायाम पर ध्यान दें। अगर कोई कार्य आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है तो उसे दोपहर 1 से 3 के बीच में करें। नीलम रंग आपके लिए आज शुभ रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि के जातक, चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश अपना रास्ता बना रहा है और आपकी असाधारण संगठनात्मक क्षमताओं को आगे ले जा रहा है। आप अपने सपनों का पीछा करने से नहीं डरेंगे।
क्योंकि ये गोचर आपको आत्मविश्वासी बनाता है। आप अभी सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आसानी से समस्याओं का समाधान उन तरीकों से पा सकते हैं जिनके बारे में अन्य लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि आपकी उस गहरी सोच और गहन प्राथमिकता आपको अच्छे परिणाम दे रही है। हर कोई आपकी समझ और परिपक्वता के स्तर से प्रभावित होगा। प्रेम जीवन के बारे में बात करते हैं। यदि आप प्रेम के पहले एहसास का इंतजार कर रहे हैं तो यही सही समय है, किंतु एक बात का ध्यान रखें कि प्रेम का अर्थ अन्य सभी संबंधों को भूलना नहीं है। नौकरी के बारे में अगर बात की जाए तो आज आप नई नौकरी के बारे में सोचेंगे, नई नौकरी तलाश करेंगे, उस पर ठीक से विचार कर लें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सफलता का रास्ता टेढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस रास्ते पर चलने से आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अपनी नियमित आय के साथ ही आपको आज बोनस या अतिरिक्त आय के साधन की प्राप्ति की सूचना मिलेगी। इन प्राप्तियों का आनंद लीजिए क्योंकि ये आपकी कड़ी मेहनत का ही प्रतिफल है। हेल्थ के मामले में आप भूतकाल के बारे में सोचकर थोड़ा सा समय खराब आज करेंगे। सकारात्मक सोचें, आप खुद को मानसिक तनाव से दूर रखें। आप वही करें जो इस वक्त आपको अच्छे जीवन की ओर ले जाए। आज के दिन आपका शुभ रंग बैंगनी रंग रहेगा। 2 बजे से 3 बजे का दोपहर का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी आखिरी राशि मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन मौज मस्ती के लिए अच्छा है। लंबे समय के बाद आज आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा बनने से आपको खुशी मिल सकती है। सभी के बारे में सोचकर फिर अपनी रुचि के हिसाब से काम करें। लव लाइफ के मामले में क्या आप अपने को विवाह से बाहर संबंध में लिप्त पा रहे हैं? ये समय निर्णय लेने का है कि आपके लिए क्या उचित है। ऐसे कोई काम ना करें जिसकी वजह से आगे चलकर किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। कार्य क्षेत्र के मामले में अगर आप इस समय बेरोजगार हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। जिस दिशा से नौकरी मिलने की उम्मीद है उस तरफ अपनी आंख व कान खुले रखें और जैसे ही कोई नया मौका मिले उसे तुरंत ही झपट लें। आज का दिन आपको सुनिश्चित रूप से उस प्राप्ति अथवा पदोन्नति के अवसर देगा जिसके विषय में आप लंबे समय से सोच रहे थे। आज के दिन नकारात्मक बातों से दूर रहें, ये समय सभी को प्रभावित करने का है, तो अपना श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए चल पड़िए। हेल्थ के मामले में आप तनाव के कारण परेशान हो सकते हैं, इससे बचने के लिए कुछ समाधान ढूंढें, क्योंकि ये समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप तनाव लें। ये भी याद रखें कि ना खत्म होने वाली इच्छाएं, नकारात्मक सोच, ज़्यादा उम्मीद और जलन आपकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। आज के दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा। दिन के लिए हरा रंग आपका शुभ रंग रहेगा। शुक्रिया। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रोयोगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रोयोगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आप एस्ट्रोयोगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।